आगरा के खैरागढ़ तहसील में दिन रात बेमौसम आंधी तूफान के चलते देर रात बरसात होने से किसानों की नींद उड़ गई। देखा जाए तो पूरे जिले में बारिश का ऐसा कहर बरसा है कि किसानों के होश उड़ गए। आपको बता दें, आगरा के कई गांव जैसे चीत, सोन, भिलावली, विधौली, सैया और कगरौल, नरीपुरा, दुलेखा, जगनीर, तातपुर व किरावली तहसील की पंचायतों में देर रात बिन मौसम बरसात व ओलावृष्टि ने किसानों की पूरी फसल को अपना शिकार बना दिया, जिसे किसानों की आंखों में मायूसी देखने को मिल रही है, जिसमें सरसों की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई है। गेहूं की फसल को ओले ने जमीन में लिटा दिया और आलू की फसल में भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि हमें ना तो किसी कृषि विभाग अधिकारी ने फसल के बीमे के बारे में बताया है और ना ही तो कोई हमारा हाल जानने आया है। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह सकरवार, खैरागढ़ देहात मंडल से मैं मंडल मंत्री हूँ भाजपा से। आज बड़े ही दुख का विषय है कि कल रात को जो 29 फरवरी के दिन बेमौसम ओलावृष्टि और तेज बारिश और तेज आंधी के चलते हुए गेहूं की फसल में 70-80% नुकसान हो गया है। पूरे तरह खेत लौट गए हैं और जो है गेहूं के लिए आदमी किसान खाने तक के लिए गेहूं पैदा मेरे हिसाब से नहीं होगा इसमें। इस तरीके से ये देखो चारों तरफ फसल है, इसी तरीके से हर किसान का जो है नुकसान हुआ है। और अभी तक जो हमारे प्रशासन की नींद नहीं खुली है कि वो सही से किसानों का आकलन करें, कोई भी टीम का कोई इंतजाम नहीं हुआ है प्रशासन के अधिकारियों पर कि आकर के कम से कम किसानों को जो है नुकसान का आकलन कर सके। और किसानों में आक्रोश है बहुत ही तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध हो रहा है। और मैं चाहूँगा किसान, ये देखो किसान खून का आंसू रो रहा है इस समय, मैं चाहूँगा सरकार से गुहार लगाऊंगा और प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय जिला उपजिला अधिकारी महोदय से जल्द टीम गठित कर करे और किसानों का जो है नुकसान का सही से आकलन कराए। ग्राम पंचायत से बोल रहे हो? लखनपुरा। अच्छा, नाम क्या है आपका? जयपाल सिंह। ये आपका ही खेत है ये जहाँ आप खड़े हुए हो, ये आपका ही खेत है? हाँ जी। अच्छा, आपका कितना बीघा खेत है? हमारा 6-8 बीघे। 8 बीघा पूरी फसल नष्ट हो गई इसी तरीके से? ऐसे हो गया। अच्छा, तो और आगे आगे कोई आगे की कोई कार्रवाई हुई, जैसे कोई लेखपाल, पटवारी? कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया ना। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा जो नुकसान हुआ वो मिल जाए, और क्या कहना चाह रहे हैं आपका? मेरा नाम विजय पाल है। विजय पाल भैया, आपकी जो खेती में नुकसान हुआ है, आपने क्या फसल बीमा कराया था? नहीं। फसल बीमा क्यों नहीं कराया आपने? हमने ये नहीं कराया है, हमारे को कोई बताता नहीं है। अच्छा, अधिकारी नहीं बताते आपको? नहीं। तो ब्लॉक में संपर्क किया आपने कहीं? बिल्कुल नहीं, किसी ने बताया ही नहीं है। अच्छा, आज फसल बीमा होता तो आपको राज्य सरकार द्वारा आपको योजना के अंतर्गत आपको पैसा मिल जाता? पता ही नहीं, हमारे को बताते ही नहीं है, बड़े साहब वो सब बोलते हैं वो बताते ही नहीं है। आगरा के खैरागढ़ से केके रेणु संवाददाता धर्मेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। गोंडा में उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मंडल स्तर पर सामूहिक हित लाभ के श्रमिकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जहां सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के खाते में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं सांसद विभूषण चरण सिंह फगुआ लोकगीतों के बीच रविवार को मंडल के 9,545 श्रमिकों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब प्रदेश के श्रम विभाग के मुखिया कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने हाथों से पंजीकृत श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मंडल स्तर पर सामूहिक हित लाभ के 7,72,72,200 रुपए की धनराशि की स्वीकृति पत्र प्रदान किए। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन नगर के वेंकटाचार्य क्लब में हुआ। श्रम मंत्री ने विशिष्ट अतिथि सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बतौर मुख्य अतिथि स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी देश के अंतिम छोर पर
जो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस सामाजिक रूप से पिछड़ा है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उन पर नजर हमारी सरकार की है। यही नहीं, देश का हर गरीब हमारी सरकार की पूर्ववर्ती सरकार इन श्रमिकों और मजदूरों के खून पसीने और गाढ़ी कमाई को अपने चहेतों के बीच में साइकिल बांटने में उड़ाया था। ये सारे के सारे मजदूर हाथ मरते रह गए और मजदूरों के खाते के पैसे को अपने चहेतों को साइकिल बांटकर अपना ओर बढ़ाने में लगे रहे। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमने एक ठान लिया है ये सारे के सारे श्रमिक और मजदूर झारखंड में उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लेकर के श्रम विभाग पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चलाए हुए हैं, जिसके क्रम में आज गोंडा में ये भव्य और विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसी क्रम में आगामी मजदूर दिवस 1 मई के दिन गोंडा से के न्यूज संवाददाता नरेंद्र लाल गुप्ता की रिपोर्ट।